अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो ये कह ही देगा कि ये पुष्प इसी ने भेजे थे। तुम्हें केवल सूखे पुष्प ही दिखते हैं, सूखे पत्ते नहीं दिखते। क्या 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 होता है सूखे पत्ते? ये सूखे पत्ते तुम्हें दिखे नहीं? इन्हें भी तो टोकरी में डाल सकती थी ना। क्या उसके लिए भी श्रीनिवास की ही प्रतीक्षा करनी है? श्रीनिवास आएगा, कार्य करेगा, हर कार्य श्रीनिवास ही करेगा। इसे पता है क्या कहते हैं? तुम जो कर रहे हो उसे कहते हैं काम चोरी। नहीं नहीं चुप रहो, अब मैं ही करता हूँ, मैं हूँ ना श्रीनिवास, किस लिए है, यही सब कार्य मैं करूंगा। तुम कितना भी प्रयास कर लो भार्गवी, मैं इतनी सरलता से हार नहीं मानने वाला। ऐसे उचित ही किया, इन पुष्पों को फेंक देना ही उचित है। क्या पता कौन व्यक्ति है जिसने पुष्प भेजे हैं, क्या पता उसकी क्या मंशा हो सकती है, क्या सोच हो सकती है, उसके मन में पता नहीं कौन सा कुविचार हो सकता है, हमें तो कुछ नहीं पता। अच्छा क्या ऐसे फेंक दिया? ऐसे किसी से भी पुष्प नहीं लेने चाहिए, और यदि पुष्प चाहिए तो मुझे कह दो, मैं कल से तुम्हारे लिए पुष्प ले आऊंगा। सेवा की ना कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे हाथों के पुष्प नहीं चाहिए मुझे। पुष्प नहीं चाहिए तो कह दो नहीं मिलेंगे, किंतु यदि चाहिए तो कह दो मैं अवश्य ले आऊंगा, पर अब नहीं लाऊंगा। जा रहा हूं।